उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शुक्रवार शाम को कोर कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली, लेकिन इस दौरान हाल में आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इनमें से 9 विधायक हैं जो अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा हो गई, ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। वैसे ये मामला अभी कोर्ट में है। बाकी जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी का कब्जा था। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हर हाल में उपचुनाव में अच्छा करना चाहती है, इसलिए बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर पैनल तय हो। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ते समय एमएलसी से भी इस्तीफा दे दिया था। पिछला विधानसभा चुनाव वे हार गए थे और इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी बना दिया था, लेकिन अखिलेश से अनबन के बाद लोकसभा चुनाव से पहले दोनों अलग हो गए। उनके इस्तीफे के बाद विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव होगा।